अभी तो मैंने रायता बनाया है, तो रायते में बघार, और अब बना रही हूँ मैं कड़ी, कड़ी में बघार अभी थोड़ी देर से लगाऊंगी, सिर्फ रायते में लगा दिया अभी कद्दू के रायते में। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो हमारी यहाँ आवाज आ रही है खटखट खटखट, क्योंकि गिलहरियाँ चद्दर पे ऊंचा कर रही हैं, और चद्दर पे ऊंचा कर रही हैं तो अच्छा लगता है, आवाज़ तो आ रही है। गिलहरियाँ इधर उधर जा रही हैं, खाना डाल दिया है और मैंने खाना भी बना लिया है। मैंने बनाया है खाने में कद्दू, शाम को बनाऊंगी। मैंने घोल के ज्यादा रख दिया भाई, घोल के रख दिया है और इसमें मैंने बना दिया है ये बना बना है कद्दू, और ये कद्दू का रायता। नीचे अंदर कमरे में ले चलते हैं, और नहीं है हमारे यहाँ सुबह से लाइट आ रही है जा रही है। मैं खाऊंगी खाना, और खाना खाने के बाद चलेंगे हर्षु को लेने, उसके बाद चलेंगे श्रीराम कंप्यूटर, और क्या क्या लेके आते हैं, क्या क्या लाना है, तो आज थोड़ा घूमना है, बहुत लंबा राउंड लगाना है, तो चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, चलते हैं हर्षु को ले आते हैं, और भी कुछ काम है वो भी करके आते हैं। स्कूल में लेने आए हैं तो पानी शुरू हुआ, हम तरफ आ गए, हम लोग हर्षु को ले लिया है, हम पे जा रहे हैं श्रीराम कंप्यूटर। ये आ चुके हैं, बन रहा है शायद ये श्रीराम कंप्यूटर आगे वाला, ये काम चल रहा है, ये जाते हैं काम करके फिर आते हैं। बुक लेना है तो यहाँ से बुक ले लेंगे, मेरा काम तो हो गया था, बुक भी नहीं मिली, मेरा काम भी अधूरा हो पाया, तो अब चल ही रहे हैं घर पे, बाकी लावण्य से बुक और कुछ भी चीज़ वो मंगवाएंगे। आ चुके हैं घर पर, और पानी गिरने की वजह से मैंने मोबाइल नहीं निकाला, और घर पे आके अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। क्या क्या लेकर आए, भगवान जी का भोग लेकर आए थे, अगरबत्तियाँ लेकर आए थे बहुत सारी, ये टांग दी है अगरबत्ती पीछे, और भोग और इसकी बुक, ये फोर्थ क्लास की बुक, सारे पेन है ना, ये मेंढक की तरह आँखें निकाल रहा हूँ लड़का। तो मैं यहाँ चाय बनाने रख रही थी, तो यहाँ आवाज़ आ रही है कौवे की, तो सुना है कि जब कौवा अपने घर पे आवाज़ देता है और कहते हैं कि कोई मेहमान आ रहा हो तो उड़ जा, आज अपन ट्राई करते हैं कि इसको उड़ाते हैं और मेहमान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौवा, ओ कौवा जी, कोई हमारे घर मेहमान आ रहा है तो उड़ जाओ। आप लोग देख सकते हो सुनो में बहुत ज़्यादा कौवे हैं, ऐसे कौओं की प्रजाति बहुत कम हो गई है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सिरोंज में बहुत थोड़े बहुत हैं, अच्छे हैं वैसे, कहीं कहीं बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हैं। पिछली बार भी हम वहाँ गए थे पहाड़ पे अलीगंज के, तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पे देखा तो बहुत सारे कौए थे। आज हमारे घर पे भी कौ 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 कर रहा है, और यहाँ बन रही है चाय, बन रही है चाय। घर में आ चुके हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, मैं चाय बना रही हूँ, तो जब आवाज़ आने लगी कौए की तो मैं कौए देखने लगी, और लावण्या तनिष्क इन दोनों को तो आजकल बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से चले जाते हैं वो स्कूल, उसके बाद फिर डाय कमान के चाय देते हैं। अभी तो मैंने रायता बनाया है, तो रायते में बघार, और अब बना रही हूँ मैं कड़ी, कड़ी में बघार अभी थोड़ी देर से लगाऊंगी, सिर्फ रायते में लगा दिया अभी कद्दू के रायते में। हमारे पतिदेव को रायता थोड़ा खट्टा लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा खट्टापन कम करके डबल से बघार लगा दिया। इसको कर सकते हैं, नहीं अभी नहीं, देखो चलो ठीक है देखते हैं, ये गर्म हो जाता है बर्तन, ये लग गया बघार। रेडी करते हैं कड़ी चावल, तो उसके बाद फिर खाना रेडी करते हैं। चावल बना रहा है, कड़ी बना रहा है, रोटी भी बना रहे हैं, और लावण्य क्या लेकर आई है, कुछ लेकर आई है, मैगी, मैगी लेकर आई, अब अभी बनाती, मगर अपने कड़ी चावल बना ली है, तो अब देखो या कल सुबह नहीं तो कल शाम को, कल शाम को कल पक्का मैगी बनेगी कल के ब्लॉक में, मस्त वाली। बन चुके हैं, क्या बन चुके, अरे 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 अरे, गरम गरम देखो तो जरा भैया, और किसकी पसंद के हैं, हाँ है तनिष की पसंद का खाना, ये बनी है कड़ी, इसमें है चावल, ये भजिए एक जल गया, एक जल गया, और ये है रायता, कड़ी चावल रायता भजिए, रोटियां रखी हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहा है, तो सब रोटी नहीं खा रहे हैं ये लोग, बन चुके हैं, चिंता तो कर रहा है मेरे पे, तो खाना खा लेते हैं, मैं नहीं खा रही हूँ अभी, ये भी नहीं खा रहे थे, देर से खाएंगे।
भजिए खा लेती हूँ मैं, खाना बाद में खाऊंगी। बहुत टाइम बाद बनाए कढ़ी, काफी टाइम बाद, मन ही हट गया था। नहीं पता नहीं क्या क्या। मेरा भैया नहीं मिल रहा। क्यों? बहुत सी जगह है, यहाँ बैठ जाओ तुम, पूरे खदान पे हर सूट बैठ गए। आज तो अपना व्यवस्था थोड़ी वो है, चेंज है ना, अंदर खाते हैं तो आज यहाँ बैठ खा रहे हैं, ये अब व्यवस्था बनाएंगे तो ठीक है। चलो ये भजियों पे हाथ मारा है इन्होंने, और सबका खाना। इतना रात के ब्लॉग भी यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।